गुड मॉर्निंग क्लास, मैं कुलदीप सर आप सभी का झाक क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो मैंने तुमसे कहा था मैं क्या है पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो मैं अपना सिलेबस तो कराऊंगा ही, साथ में और भी क्लासेस लगाऊंगा। जैसे कि आज आपकी दोबारा से कुछ दिन से रीजनिंग क्लास नहीं डल रही थी, रीजनिंग क्लास भी डलेगी और साइको की क्लास लगेगी, सही है, सेम कंडीशन है। साइको का भी हम पूरा सिलेबस कराएंगे, इसी हिसाब से आपकी क्लासें चलती रहेंगी। ओके बेटा, तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और लोगों को देते रहेंगे, तुम भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ, रिश्तेदारों को भी दिखाओ, सबको पढ़ाओ, सही है। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, नहीं समझे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वो अलग की बात है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, खुल नहीं पा रहा, तो थोड़ा कम पढ़ पा रहा है भारत, तो कम बढ़ रहा है, लॉकडाउन के बाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं समझे बेटा, सही है। तो सभी क्या करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे धनाधन, जितना बांट सकेंगे बांटो, ज्ञान बांटने के लिए तो होता है, देखो मैं बांट रहा हूँ और आप लोग मेरा ही ज्ञान बांट दो दूसरों को, मैंने कब कहा अपना बांटो, सही है। तो वीडियो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आंसर बताया करेंगे। आंसर ज़्यादा बताया करो, कम मत बताया करो, गलत बताया करो, मैंने कब कहा सही बताओ, जरूरी थोड़ी ना कि हर व्यक्ति सही आंसर बताए, गलत बताने के बाद ही सही बता पाएंगे, सही है। जो करते हैं, वैसे गर्मी बहुत है आज, ये बहुत पुराना डायलॉग है, सही है, हर बार व्यक्ति यही कहता है कि आज बहुत गर्मी है, पिछली बार से ज़्यादा गर्मी है, कब से ज़्यादा, पिछली बार से। अगर दो दिन बाद चार बूंदे गिर जाएं और फिर लगातार तीन दिन तक चार बूंदे गिर जाएं, तो व्यक्ति कहेगा इस बार बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश आज तक नहीं हुई है। तो ये तो एक परंपरा सी हो गई है, हर बार व्यक्ति का यही कहना होता है कि इस बार बहुत सर्दी है, इससे पहले इतनी सर्दी नहीं हुई, इस बार बहुत गर्मी है, इससे पहले इतनी गर्मी नहीं हुई, और हर साल ऐसा ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे अच्छे से पढ़ेंगे, सबको समय से पेपर देना है, नौकरी लेनी है, अगर BTC BEd किया तो नौकरी तो लेनी ही है, ठीक है। तो देखो कल का चल रहा था बेटा हमारा गुने पर आधारित प्रश्न, क्या चल रहा था, गुने पर आधारित प्रश्न। अब गुने पर आधारित प्रश्न चल रहा था तो उसके आगे बढ़ते हैं, गुने पर आधारित मैंने कहा था आज थोड़ा सा हल्का सा कल से थोड़ा चेंज क्वेश्चन लिखाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा देना, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है यदि सभी संख्याओं का औसत (49) हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर, देखो पूरा वीडियो देखा करें, सारे के सारे सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन कराता हूं मैं, और सारे के सारे लॉजिक से, शॉर्ट ट्रिक से और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने वाले तरीकों से सिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन फर्जी दे दूं या लंबा समय खराब हो, ऐसा
नहीं है। ओके बेटा, तो सभी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और हर क्वेश्चन देखेंगे, एवरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। देखें ये कह रहे हैं तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है, यदि सभी संख्याओं का औसत, यहाँ ऐसे लिखा होता है यदि सभी तीनों संख्याओं का औसत, तो भी एक बात है यदि सभी संख्याओं का औसत 49 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब वो तीन संख्याएं तो हमने तीन संख्याएं अलग अलग मान ली, एक दो और तीन। अभी मैंने क्या किया, तीनों को x मान लिया, सही बेटा मैंने क्या किया तीनों को x मान लिया। अगर तीनों को x माना है तो इसका मतलब तीनों x x x हो जाएंगी। अब तीनों को मैंने x माना है तो अभी क्या है, तीनों बराबर है, जबकि कंडीशन में तीनों बराबर नहीं है। ये कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी कर दो, यहां दूसरी संख्या तीसरी की दो गुनी। कोई ना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। तो ये कह रहे हैं तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, यदि सभी संख्याओं का औसत 49 है तो पहली संख्या ज्ञात करें, सही बेटा। अब जो तीनों को हमने क्या मान लिया, एक्स एक्स और एक्स, लिखकर क्या मान लिया, एक्स एक्स और एक्स मान लिया। अब देखो पहली दूसरी से दोगुनी और दूसरी तीसरी से दोगुनी, दोनों बार की लिखा दोगुना और दोगुना, जो ये गुने लिखे होते हैं, कितने भी गुने लिखे हों, अभी तो दोगुना और दोगुना लिखा है, जो ये दोगुने और दोगुने, ये जो गुने लिखे होते हैं बेटा, हम क्या करते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोगुने का मतलब दो और फिर दोगुने का मतलब दो, यानी कि टोटल जो हमारा क्या हो गया, चार गुना हो गया। टोटल क्या होगा हमारा, चार गुना, यानी दोगुना इंटू दोगुना बराबर का दोगुना गुणा दोगुना बराबर का क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, सही बेटा क्या हो जाएगा, दोगुना गुणा दोगुना बराबर क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, सही, दोगुना बराबर क्या हो जाएगा, चार गुना। अब दोगुना गुणा दोगुना बराबर चार गुना हो गया, तो देखो हमने क्या किया, ये जो चार गुना आता है ये उसे देते हैं जिससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। तो देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हुई है, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हुई है वो किससे हुई है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या, पहली संख्या से स्टार्टिंग हुई है, तो ये दोगुना किसे देंगे, पहली संख्या को दे देंगे, पहली संख्या में हम क्या करेंगे, चार का गुणा कर देंगे, चार। अब देखो ये कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी है, क्या अभी दूसरी की ये दोगुनी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, दूसरी की दोगुनी दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे, इस दूसरी में इसका दोगुना करना है तो हम इसमें दो का भाग देंगे, जैसे दो का भाग चार में दोगे क्या जाएगा, दो दूनी चार, दो बार कैंसिल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, दो, और वो दो दूनी चार। अब ये कह रहे हैं दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या तीसरी की दो होनी है तो एक दूनी दो, अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इन तीनों का हमें क्या दिया बेटा, औसत दिया है, चार दो छः और एक सात एक्स बटे तीन बराबर का 49, सात सते 49, तो एक्स और क्या आ गया बेटा, 21 आ गया, एक्स और क्या आ गया, 21। अब एक्स की वैल्यू 21 आ गई, हमसे कौन सी संख्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई है पहली संख्या, पहली, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, चार गुणा 21 बराबर का 84, सिर्फ पहली संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 84 हो जाएगी, आया समझ में, आंसर क्या हो जाएगा, 84, पहली संख्या हमसे पूछी है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी, सही क्या होगी, 84। देखो दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, यदि सभी संख्याओं का औसत 49 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें, सभी संख्याओं का औसत क्या हो बेटा, 49 हो तो कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने लिखा पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक, पहली दूसरी तीसरी सबकी जगह क्या मान लिया, एक्स एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स मान लिया। अब जो गुने होते हैं उनका आपस में गुणा करते हैं, दोगुना और दोगुना कितना हो गया, चार गुना, चार गुना उसे देते हैं जिससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई हो, तो पहली वाली संख्या से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है, तो पहली वाली को हमने क्या दे दिया, चार गुना दे दिया, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम ऐसा ही, देखिए तीन संख्याएं
इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी एवं तीसरी की तीन गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी एवं तीसरी की तीन गुनी है, सही है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि सभी तीनों संख्याओं का औसत 110 हो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि सभी तीनों संख्याओं का औसत 110 हो। अब देखो बेटा, करते हैं अच्छे से, फिर वही कंडीशन आ गई, सेम क्वेश्चन है, पहला दूसरा और तीसरा। देखो मैं कर रहा हूं, तुम भी करो तुरंत, मेरे आंसर बताने से पहले तुम आंसर बताओ, फिर देखते हैं किसका सही है। सही है, देखो पहली दूसरी और तीसरी तीनों को फिर वही कंडीशन आ गई, एक्स एक्स और एक्स, सही है। अब देखो क्या दिया, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी और तीन गुनी, पहले तो गुनी देख रही है, तो क्या दिया, दोगुना और तीन गुना, तो दो गुना तीन गुना दिया, तो दो गुना तीन बराबर का टोटल कितने गुना हो गया, छह गुना हो गया, सही। दो गुना तीन बराबर टोटल कितने गुना हो गया बेटा, छह गुना हो गया। अब टोटल छह गुना हो गया, तो इस छह गुने का यानी इस छह का गुना कहाँ करना है, इस छह का गुना वहां करना है जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो कहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया बताए, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ दूसरी संख्या से, कहां से स्टार्ट हुआ दूसरी से, ये कह रहे हैं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या कौन सी संख्या बेटा, दूसरी संख्या पहली संख्या की, सही है। तो किससे तुलना की गई, पहली से किसकी, दूसरी की। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है, दूसरी से स्टार्ट हुआ, तो छह का गुणा कहां कर देंगे जाके, दूसरी वाली संख्या में छह का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6x। अब दूसरी संख्या 6x है, अब देखो ये कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, ये जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या की दोगुनी है, ठीक, पहली संख्या की दोगुनी, तो उस दोगुने का हम इसमें भाग देंगे, जैसे ही तुम छह में दो का भाग दोगे तो दो की अच्छा कितना जाएगा तीन गुना, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा तीन। अब देखो तीन दुनी छह, दूसरी संख्या पहली संख्या की कैसी हो गई, तीन गुनी हो गई, दो गुनी हो गई। अब दूसरी संख्या ही तीसरी संख्या की कितनी है, तीन गुनी है, यही संख्या जो है इसकी कितनी है, तीन गुनी है, तो मैंने यहां दो का गुणा कर दिया, दो तिया छह। अब देखो ये इसकी तो दो गुनी हो गई तीन गुनी छह, और इसकी तीन गुनी हो गई दो तिया छह। अब देखो इन तीनों का औसत दिया 110, कितना औसत दिया बेटा 110 औसत दिया, तो सॉल्व कर दो, छह तीन नौ और दो ग्यारह, 11x/3, भाई तीन संख्या तो तीन को भाग देंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पद बराबर का 110, ठीक, 11 से ये 10 बार कैंसिल हो गए, x और आगे आ गया बेटा 30 आ गया, x और आगे आ गया 30, x की वैल्यू 30 है, कौन सी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या क्या है 6x, तो दूसरी संख्या बराबर 6×10 बराबर का 60, सही है, 6×30 है, सॉरी कितना 6×30, तो 6×30 और कितना हो जाएगा 180, सही बेटा 6×30 और कितना हो जाएगा 180। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सबकी समझ में, नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम सोच रहे हो दोबारा कैसे पूछेंगे, दोबारा पूछने का मतलब है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा या तुरंत ही कमेंट में ही लिख के तुम्हें समझा दूंगा, सही है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये गुने वाला टाइप हमारा खत्म होता है, अब नेक्स्ट टाइप चालू करते हैं, देखो ये गुने का टाइप खत्म होता है, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। देखो हमारे ऊपर है, हमारे मतलब हमारे तुम्हारे ऊपर है, स्टूडेंटों के ऊपर टाइप है,
गलतियों पर आधारित प्रश्न। भाई गलती कौन करता? बालक करता। बालक के अलावा और कोई गलती करता नहीं है। सही तो टाइप का नाम है। संख्याओं की गलतियों पर आधारित प्रश्न। अब देखो बिट्टी करते हैं, संख्याओं की गलतियों पर आधारित प्रश्न। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सब क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन इन इंपोर्टेंट नहीं है। टोटल जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब इंपोर्टेंट है एवरेज के। जरूरी टेट सुपर टेट, टेट सुपर टेट में बहुत कम एवरेज आता है, उसके अलावा भी बहुत से एग्जाम हैं उनमें भी एवरेज आता है, हर जगह एवरेज आता है। सही है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करते हैं। जो संख्याओं की गलतियों पर आधारित प्रश्न, संख्याओं की गलतियों पर आधारित प्रश्न का मतलब पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यार्थी ने अठारह संख्याओं का औसत 27 ज्ञात किया, 27 यानी 27 ज्ञात किया, परंतु बाद में पता चलता है कि एक संख्या, परंतु बाद में चलता है कि एक संख्या 82 को गलती से 28 पढ़ लिया गया, तो गलती सुधारने पर औसत क्या होगा। अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं किसी विद्यार्थी ने 18 संख्याओं का औसत 27 ज्ञात किया, परंतु बाद में पता चलता है कि एक संख्या को गलती से उसने 28 के 82 के स्थान पर 28 पढ़ लिया। से कितना पढ़ लिया? 28। 82 के स्थान पर कितना पढ़ लिया? 28 पढ़ लिया, यानी 82 पढ़ा जाना चाहिए था, 82, और गलती से कितना पढ़ लिया है? 28 पढ़ लिया। अब जो 82 पढ़ा जाना चाहिए था, गलती से 28 पढ़ लिया, तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए था, कम पढ़ लिया, तो औसत कम आया होगा, औसत कुछ ज़्यादा आना चाहिए था। तो देखो इस चीज़ पर दिमाग लगाना जरूरी नहीं है कि औसत ज़्यादा आना चाहिए था या कम आना चाहिए था, जोड़ना या घटाना है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लिखा जाना चाहिए था उसे लिखेंगे, तो 82 लिखा जाना चाहिए था तो 82 लिख दिया, सही है, और बाद में जो गलती से लिख गया उसे लिखेंगे, तो गलती से क्या लिख गया? 28। 82 लिखा जाना चाहिए था, गलती से 28 लिख गया, तो हम लिखेंगे 82 28, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो संख्या देखो किसकी आई है, 82 प्लस के 28 माइनस के, तो 82 में से 28 जाएंगे, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, और ये किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। अगर ये प्लस के आए हैं तो हमारा औसत क्या था? इससे थोड़ा नीचे लिख दो, 82 माइनस का 28 बराबर प्लस का 54। सही है बेटा। अब हमारा औसत कितना? 27 था, तो 27। अब जो ये प्लस के आए हैं, अगर ये प्लस के आए हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये माइनस के आए होते तो यहाँ माइनस आ जाता। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है? 54, योगफल की वृद्धि है, योगफल की कमी। भाई 54 जो है वो घटाने के बाद ही तो आया, तो या तो ये योगफल की वृद्धि होगी या कमी होगी। अब प्लस आया तो वृद्धि हो गई, और माइनस आता तो कमी आ जाती। अब ये योगफल है और ये क्या है? औसत। तो इस योगफल को भी क्या बनाना पड़ेगा? औसत बनाना पड़ेगा। तो योगफल को औसत बनाने के लिए क्या करते हैं? योगफल में कुल संख्याओं का भाग देते हैं, तो कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास? 18 है, तो 18 का भाग किस में देंगे? 54 में, तो 54 बटे 18, 18 तिया 54, कितना जोड़ा जाएगा यहाँ? 3 जोड़ दिया है, 27 और 3
30। तो गलती सुधारने के बाद जो सही औसत आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। सही गलती सुधारने के बाद जो सही औसत आएगा वो कितना हो जाएगा, 30। नोट करेंगे सभी, स्टार लगा देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब जितने भी हैं। वीडियो देखते जाएं, साथ ही साथ शेयर भी करते जाएं और लोगों को भी दिखाएं। लाइक तो एक ही बार कर पाओगे, बार बार नहीं कर पाओगे। सब्सक्राइब भी एक ही बार कर पाओगे, लेकिन शेयर कई जगह कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, शेयर कई जगह कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसे ही तुम्हारे लिए देता हूँ। नौ संख्याओं का औसत 53 परिकलित, परिकलित मतलब होता है ज्ञात करना, निकालना। कहीं लिखा आ जाए तो कंफ्यूज हो तुम। नौ संख्याओं का औसत 53 परिकलित किया गया, परंतु बाद में पता चला कि 18 को गलती से 81 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। तो सही औसत ज्ञात करें। देखो ये कह रहे हैं, नौ संख्याओं का औसत 53 परिकलित किया गया, परंतु बाद में पता चला कि 18 को गलती से 81 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। अब देखो ये कह रहे हैं, 18 को गलती से क्या पढ़ लिया गया है, 81। सही है, तो पढ़ा क्या जाना चाहिए था 18, तो 18 पहले लिखेंगे, गलती से क्या पढ़ लिया 81, तो 81 बाद में लिखेंगे। अब 18 लिखा जाना चाहिए था, 81 लिख गया, तो वैसे ही पता चल रहा है कि ज्यादा लिखा जाना चाहिए था और गलती से कम लिख गया, तो आंसर तो वैसे ही कैसा होगा, कम होगा। तो 18 लिखा जाना चाहिए था और 81 लिख दिया, तो 18 माइनस 81। अब 81 माइनस किए तो माइनस का बचेगा, एक में से 8 जाएंगे नहीं, तो 11 में से 8 कितने आ गए, 3। सही बेटा, 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6। कितने आ गए, -63। ये माइनस आया है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 63 आए हैं, 63 क्या है, योगफल। और हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, औसत लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, योगफल में संख्याओं को भाग दिया, 9 7 63। कितना आ गया बेटा औसत, 7। 7 यहाँ से ला के घटा दो, सही, 7 क्या करेंगे घटा देंगे, जैसे ही 53 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44। सही है, कितना बचेगा, 46 बचेगा। सही, कितना बचेगा, 46, यानी कि 46। सही, जैसे ही 53 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 46 बचेगा। आया समझ में, तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो लिखा जाना चाहिए था उसे पहले लिखेंगे भाई, उसी पे तो गलती हुई होगी, और जो गलती से लिख गया उसे बाद में लिखेंगे। तो 18 लिखा जाना चाहिए था और गलती से कितना लिख गया, 81। तो 18 माइनस 81 बराबर का, माइनस के 63 आए हैं तो माइनस आएगा, और प्लस के 63 आते तो प्लस आ जाता। ये कह रहे हैं 18 को गलती से 81 पढ़ लिया, कह रहे हैं यानी ज़्यादा पढ़ लिया, तो औसत ज़्यादा हो गया, हमने कम कर दिया, और कम पढ़ लिया होता तो ज़्यादा हो जाता तो कम कर देते। एक और क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीस संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय उन्नीस को गलती से 91 एवं 92 को 29 पढ़ लिया गया,
जिससे औसत 47 प्राप्त हुआ। तो गलती ना होने पर औसत क्या होगा? सही बेटा, तो गलती ना होने पर औसत क्या होगा? अब देखो, ये कहना टोटल 36 संख्याएं हैं, जिनमें से एक संख्या 19 को गलती से 91 पढ़ा गया और दूसरी संख्या 92 को गलती से 29 पढ़ लिया गया। अब देखो, 19 पढ़ा जाना चाहिए था और गलती से वो कितना पढ़ लिया है, औसत कितना? पहले तो औसत लिखते हैं, औसत है इनका गलत वाला 47। अब देखो, ये कह रहे हैं 19 को गलती से 91 पढ़ लिया गया, तो 19 पढ़ा जाना चाहिए था और 91 पढ़ लिया गया, और 92 को गलती से 29 पढ़ लिया गया, 92 पढ़ा जाना चाहिए था और 29 पढ़ लिया। तो देखो, पढ़ा कितना जाना चाहिए था, 9 2 11 का एक हासिल एक, 9 1 10 और 1 11, 9 2 11 का एक हासिल एक, 9 1 10 और 1 11, 111 पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया है, 9 1 10 का 0 हासिल एक, 9 2 11 और 1 12। सही बेटा, 111 पढ़ा जाना चाहिए था लेकिन गलती से 120 पढ़ लिया है, ये पढ़ा जाना चाहिए था, ये पढ़ लिया, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और कितना आ जाएगा, माइनस के 9 आ जाएंगे। सी किसके 9 आएंगे बेटा, माइनस के 9, माइनस के 9 आ गए तो हमारा भी यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर से वही बात आई कि भाई ये तो योगफल है, क्या है योगफल, और ये क्या है औसत, तो इस योगफल को औसत में चेंज करेंगे तो कुल पदों का योग बटे कुल पद, तो 9/36, 9 4 36 बराबर का 0.25। अब 47 में से 0.25 घटा दो, जैसे ही 47 में से 0.25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 46.75। तो सही औसत क्या होगा बेटा, 46.75, यानी जिन संख्याओं गलत औसत हमारा 0.25 निकल के आया था, उन्हीं संख्याओं का अगर सही औसत निकालेंगे तो क्या जाएगा, 46.75। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लेना, चाहे दो संख्या जो तीन हो, हमारा करने का तरीका चेंज नहीं होगा, दो होंगी तो दोनों लिख ली, तीन होंगी तो तीनों लिख लेंगे, बस ध्यान क्या रहेगा, पहले वो संख्याएं लिखेंगे जो लिखी जानी चाहिए और फिर वो लिखेंगे जो गलती से लिख गई। अगला देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक संख्या को उसके पलटे हुए अंकों के साथ पढ़ लिया जाता है, जिससे अंकों के साथ पढ़ लिया जाता है, जिससे इनके औसत में टू पॉइंट सेवन की कमी आ जाती है, तो
इस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। सही, देखो आज के सब क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े हैं लेकिन आंसर और सॉल्यूशन सबका छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो उसका करने का तरीका और सॉल्यूशन छोटे होने चाहिए बस, बहुत इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं 10 संख्याएं हैं और 10 की 10 दो अंक की हैं। कितने अंकों की हैं? 10 की 10 संख्याएं जो क्या है बेटा, दो अंकों की, यानी 10 से लेके 99 तक 10 संख्याएं, 10 में से प्रत्येक दो अंक की हैं। ये कह रहे हैं कि जब इनका औसत ज्ञात करते तो एक संख्या को उसके पलटे हुए अंकों के साथ पढ़ लिया जाता है। पलटे हुए अंकों के साथ पढ़े जाने का मतलब है अगर 27 पढ़ा जाना चाहिए था तो कितना पढ़ लिया है? 72 पढ़ लिया। 28 पढ़ा जाना चाहिए तो कितना पढ़ लिया? 82 पढ़ लिया। 97 पढ़ा जाना चाहिए था तो कितना पढ़ लिया है? 79 पढ़ लिया। 81 पढ़ा जाना चाहिए तो कितना पढ़ लिया? 28 पढ़ लिया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया है तो इनके जो औसत है वो औसत में क्या हुआ है? 2.7 की कमी आई है। अब कमी आई हो चाहे वृद्धि आई हो हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि औसत ना तो मैं सही दिया ना हमसे पूछा गया है। तो 2.7 की औसत में कमी आई है। अब देखो औसत में 2.7 की कमी आई है तो ये जो औसत है, औसत में क्या है? 2.7 की कमी आई है। अब ये औसत है तो हम क्या करेंगे? योगफल में कमी ढूंढेंगे। तो योगफल की कमी निकालेंगे, किसकी कमी निकालेंगे? योगफल की। तो देखो औसत की कमी में जैसे ही संख्या को गुणा करेंगे तो संख्या कितनी? 10। तो 2.7 × 10 बराबर का 27। यानी कितने का अंतर आया? 27 का अंतर आया। और ये 27 का अंतर क्या होगा? उसी संख्या का होगा, जैसे ही संख्या होगी हमारी 10x + y और अंक पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10y + x, यही तो हो जाएगा। पहले से संख्या हमने मान ली, हमारी जो दो अंकों की संख्या होगी ऐसी तो बनाई जाती है, तो हमारी दो अंकों की संख्या में x क्या होगा? दहाई का अंक, y क्या होगा? इकाई का अंक होगा। तो हमारी जो दो अंकों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 10x + y और जैसे ही अंकों के स्थान चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा? 10y + x। इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 27 है। इन दोनों का जो अंतर है वो 27 है और हमें क्या है? संख्याओं का अंतर बताना है, यानी x - y का मान बताना है, यानी संख्याओं के अंकों का अंतर बताना है। क्या बताना बेटा? संख्याओं के अंकों का अंतर बताना है। तो देखो मैंने नंबर सिस्टम कराया था, क्या कराया था बेटा? नंबर सिस्टम कराया था, तो एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया था, उसी से अंतर बताऊंगा, पूरा बेसिक नहीं बताऊंगा। और आपको भी वही चीज याद करनी है, दोबारा नंबर सिस्टम का वीडियो रिवाइज करेंगे आके और दोबारा उस चीज को देखेंगे अगर ध्यान नहीं रहा है तो। देखो मैंने जब नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर सिस्टम कराया था तो मैंने क्या बताया था? जब किसी दो अंक की संख्या के अंक पलटकर, जब किसी दो अंकों की संख्या के अंक पलटकर एक नई संख्या प्राप्त की जाए तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल करके 11 से भाग देने पर, प्राप्त संख्या और नई संख्या सॉरी मूल संख्या के अंकों का संख्याओं का योगफल करेंगे और 11 से भाग देंगे तो संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त होगा। सही, 11 से भाग देने पर क्या होगा? संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त होगा। लेकिन यहां अंतर पूछा है ना, तो अंतर के लिए मैंने क्या लिखा था? जब किसी दो अंक की संख्या के अंक पलटकर एक नई संख्या प्राप्त की जाएगी तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या और मूल संख्या का जो अंतर होगा उसमें 9 से भाग देने पर संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है बेटा? 27। सही, प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर कितना है? 27। जैसे ही 27 में 9 का भाग देंगे, 9 × 27 तो संख्या के अंकों का अंतर कितना आएगा? 3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संख्या के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमें कोई ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है एक सेम 20 दो अंक की संख्याओं, 20 दो अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक संख्या को उसके पलटे हुए अंकों के साथ पढ़ लिया जाता है जिससे इनके औसत में की वृद्धि हो जाती है, तो इस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। अब वो चाहे तो वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी संख्या है बेटा? 20 संख्या है, औसत में कितनी की वृद्धि हो गई? 1.8 की वृद्धि हो गई। तो 20 × 1.8 यानी योगफल में कितनी की वृद्धि होनी चाहिए थी? 36।
जैसे ही औसत और संख्या गुणा करेंगे तो औसत की वृद्धि, औसत की कमी निकल आएगी, तो 36 आ गया। अब देखो संख्याओं का अंतर कितना आ गया बेटा 36, ये उन्हीं संख्याओं का अंतर है, इतनी देर से वही तो कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन हुए। तो संख्याओं का अंतर कितना आ गया बेटा 36 आ गया। अब संख्याओं का अंतर 36 है और हमें किसका अंतर बताना है, संख्या के अंकों का अंतर बताना है। तो संख्या के अंकों का अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 का भाग दे देंगे, 9 चौक 36, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा 36 होगा, सही क्या होगा 36। कोई दिक्कत यहां तक, मैं जिस एनर्जी से पढ़ाता हूं इसी एनर्जी से आप लोगों को पढ़ना है और मेहनत करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई चेंज क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे बेटे। अगला क्वेश्चन देखें, YouTube पर क्लास देखते देखते क्लास खत्म होने के तुरंत बाद गाने भी सुन लिया करें, कौन सा वाला जो तुम्हारी इच्छा हो मुझे बता देना, मैं भी सुन लूंगा अगर अच्छा हो तो, सही है, जो गाना तुम्हें अच्छा लगे वही मुझे भी सेंड कर देना, मैं सुन लूंगा ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तुम्हारे पास। देखें अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एन संख्याओं का औसत x है यदि इनमें से, यदि इनमें से दो संख्याओं, यदि इनमें से दो संख्याओं में से प्रत्येक से, यदि इनमें से दो संख्याओं में से प्रत्येक से 72 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत एक्स माइनस 8 हो जाता है, एक्स माइनस 8 हो जाता है, तो कुल संख्या n का मान ज्ञात करें। देखो बेटा ये कह रहे हैं कि n संख्याओं का औसत x है यदि इनमें से दो संख्याओं में से प्रत्येक से 72 घटा दिया है, यानी पहले से एक से भी 72 घटा दिया है और दूसरे भी क्या घटा दिया है 72, दोनों संख्याओं से 72 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत x माइनस 8 हो जाता है, तो कुल संख्या n का मान ज्ञात करें। तो देखो देखो दो संख्याएं, टोटल संख्या n है, एन में से कोई दो संख्या नहीं, पहली से 72 घटाया और दूसरे से 72 घटाया, टोटल से कितना कैंसिल हो जाएगा 144 से, कितना कैंसिल हो जाएगा 144 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, योगफल की कमी है, तो औसत की कमी क्या होगी, पहले औसत क्या था एक्स, अब एक्स में से एक्स माइनस 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 8, तो औसत की कमी क्या हो जाएगी 8 की कमी हो जाएगी। औसत की कमी का मतलब है कि एक संख्या पर कमी। अब देखो टोटल संख्याएं कितनी है, एन है, अगर एक संख्या पे 8 की कमी आती है तो एन संख्या में कितनी कमी आ गई, 8 × n, यही कमी तो आई होगी, अगर एक संख्या पे 8 की कमी आई है तो टोटल एन संख्या है तो एन संख्या में कितनी कमी आई होगी 8 × n, जो किसके बराबर होगी 144, भाई टोटल कमी 144 ही तो हुई है, टोटल कमी 144 हुई है तो 8n की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 हो जाएगी, सही बेटा 8n की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 हो जाएगी। अब 8n की वैल्यू 144 है तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो 8 × 8 = 64, तो n बराबर क्या हो जाएगा 18, टोटल कितनी संख्याएं होंगी 18 संख्याएं होंगी, सही, टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी बेटा 18, चाहे घटाई जाए चाहे बढ़ाई जाए हमारे क्वेश्चन करने का तरीका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, डिट टू, सही है, हमारे क्वेश्चन करने का तरीका चेंज नहीं होगा, हमने जो एक बार सीख लिया वही सीख लिया, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, समझे बेटे।
तो कितना होगा n बराबर 18 आएगा। सही, n बराबर कितना आ जाएगा 18। चाहो तो सीधा सीधा भाग दे दो, क्या जा रहा है 144/8। प्रभु की माया है, किसकी माया है? प्रभु की। तुम पर थोड़ी ज्यादा है, मुझ पर थोड़ी कम है। पहले मैंने बताया ऐसी फीलिंग आती दीवालों को पढ़ा रहा हूँ, बट नहीं, तुम लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही जैसे पढ़ रहे हो। देखो सेम क्वेश्चन एक और करते हैं। एन संख्याओं का औसत एक्स है, यदि इनमें से तीन संख्याओं में से प्रत्येक से 24 घटा दिया जाए या 28 घटा दिया जाए, 28 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत एक्स माइनस 7 हो जाता है। तो कुल संख्या एन का मान याद करें, सही है। अभी वो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं में से 28 घटाए तो 28 + 28 + 28। अब तुमको प्लस क्यों लगाना भाई, ये तो हम टोटल देख रहे हैं कितनी कमी आ गई। तो 8 + 24 की 4 हासिल 2 और 2 + 8 84 कमी आ गई। कितनी कमी आ गई बेटा? 84 की। और औसत में कितनी कमी आई है? 7 की। औसत कमी बराबर x - x - 1, तो कितना हो जाएगा 7। टोटल में 84 कमी आई है और औसत की कमी कितनी आई है? 7 की कमी आई है। तो हम क्या करेंगे, 84 में 7 का भाग दे देंगे। 7 × 7 = 14। टोटल संख्या कितनी होंगी? 12 होंगी। से टोटल संख्या कितनी होंगी? 12। यानी टोटल n का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सही बेटा, टोटल n का मान कितना हो जाएगा? 12। आया समझ में? एक और लिखते हैं सिंपल सा, जब तक लिखेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। और हर टॉपिक के ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, सही है। कम क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम करके कहाँ रहेंगे, ज़्यादा करेंगे अच्छे समझ में आएगा। क्लास में ही, क्लासरूम में ही पूरी तैयारी हो जाए, बाद में कोई क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही है बेटा, देखो एन संख्याओं का औसत के है यदि इनमें से दो संख्याओं में, यदि इनमें से दो संख्याओं में प्रत्येक में, यदि इनमें से दो संख्याओं में प्रत्येक में 64 घटा दिया जाए, सही। अब क्या करते हैं, 64 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत k + 16 हो जाता है। नई संख्याओं का औसत k + 16 हो जाता है। तो कुल संख्या n का मान ज्ञात करो। अब दो संख्याओं से प्रत्येक में 64 जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 64 + 64 = 128। तो योगफल में कितने की वृद्धि हो गई? 128 की वृद्धि हो गई। अब देखो औसत में कितने का अंतर आएगा, पहले औसत क्या था k, अब औसत हो गया हमारा k + 16। तो औसत में कितने का अंतर आया, 16 का। औसत में 16 की वृद्धि हुई है, योगफल में 128 की वृद्धि हुई है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 128 / 16 = 128। तो 8 का क्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगी। तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 8। तो कुल संख्या कितनी होगी बेटा, 8 हो जाएंगी। आया समझ में, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 8। आया यहां तक समझ में? अगला इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हमसे, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा इस टॉपिक में गलतियों वाले में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। देखें अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक पचास ज्ञात किए जाते हैं, पचास ज्ञात किए जाते हैं, परंतु बाद में 100 छात्रों के
अंक साठ के स्थान पर नब्बे पढ़ लिए गए थे, तो नब्बे पढ़ लिए गए थे तो यदि यह गलती सुधार दी जाए तो औसत अंक में या गलती सुधार दी जाए तो औसत अंक 45 हो जाते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, देखो ये कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 50 ज्ञात किए गए जाते हैं, सही है, यानी कि सभी छात्र हैं जब उनके औसत अंक ज्ञात करते हैं कितने निकल के आते हैं, 50 निकल के आते हैं, ठीक 50 ज्ञात किए जाते हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि 100 छात्रों के अंक 60 के स्थान पर 90 पढ़ लिए गए थे, यानी 100 ऐसे छात्र हैं जिनके अंक 60 पढ़े जाने चाहिए थे लेकिन 60 के स्थान पर कितने पढ़ लिए गए बेटा, 90 पढ़ लिए गए, कितने पढ़ लिए गए 90। अब 60 के स्थान पर 90 पढ़ लिए गए थे तो यदि यह गलती सुधार दी जाए, यानी जो हमसे गलती हुई है वो हम सही करेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, यह गलती सुधारने के बाद क्या होता है, जो इनका औसत है वो 45 हो जाता है, कितना हो जाता है 45। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, अब देखो 60 पढ़े जाने चाहिए थे और 90 पढ़ दिए, तो 90 माइनस 60 बराबर का 30, एक विद्यार्थी पर 30 की कमी आई है, एक विद्यार्थी में कितनी कमी आई है 30 पे, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं हमें ये पता करना है, तो कुल कमी बराबर, भाई कुल 100 विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ तो कुल कमी कितनी आई, 100 गुणा 30 बराबर का 3000, कुल जो अंक हैं उसमें कितनी कमी आ जाएगी बेटा, 3000 की कमी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई, एक छात्र पर कितनी कमी आई है हमने मान लिया, माना कुल छात्र बराबर एक्स, अब देखो एक छात्र में कितनी कमी आई है, 30 अंकों की कमी आई है, और ऐसा कितने छात्रों के साथ हुआ, 100 छात्रों के साथ ऐसे हुआ, तो 6 छात्रों में कितनी कमी आ जाएगी, 100 गुणा 30 बराबर का 3000 की कमी आ जाएगी, कितनी कमी आ जाएगी 3000 की, और ये 3000 की कमी आई है योगफल में, किसमें कमी आई, योगफल में, तो देखो पहले औसत क्या था, औसत कमी बराबर, औसत कमी पहले औसत था 50 जब गलती हुई थी तब, और गलती सही कर दी तो औसत कितना हो गया 45, तो एक विद्यार्थी पे औसत में कितनी कमी आई है, 5 अंकों की कमी आई है, अब देखो औसत में जो कमी आई है बेटा वो 5 अंकों की आई है, और जो योगफल में कमी आई हो कितने की आई होगी, 3000 की कमी आई होगी, अब देखो औसत में 5 की कमी आई है और योगफल में 3000 की कमी आई है, सही है, तो देखो औसत की कमी क्या है, औसत में 5 अंक की कमी आई है, तो औसत की कमी क्या होगी, एक विद्यार्थी की कमी होगी, तो एक विद्यार्थी 5 अंकों की कमी आई है, और टोटल कितने विद्यार्थी माने हमने, x विद्यार्थी माने हैं, तो टोटल कितनी कमी हो जाएगी, x इंटू 5 अंकों की कमी हो जाएगी, भाई टोटल कमी कितनी हो जाएगी, x इंटू 5, ये x इंटू 5 किसके बराबर होगा, इस 3000 के बराबर होगा, तो x इंटू 5 बराबर का 3000, 5 छक्के 30, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 600, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की क्या थी, लैंग्वेज चेंज थी, ये क्या चेंज था, लैंग्वेज चेंज थी, देखो क्या था, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 50 ज्ञात किए जाते हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि 100 छात्रों के अंक 60 के स्थान पर 90 पढ़ लिए गए थे, तो यदि यह गलती सुधार दी जाए तो औसत अंक 45 हो जाते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, औसत अंक कितने हो जाते हैं 45, तो हमें क्या बताना है, कुल छात्रों की संख्या बतानी है, तो देखो हमने मान लिया कुल छात्र, माना कुल छात्र कितने हो गए, एक्स हो गए, अब ये कह रहे हैं 90 पढ़े जाने चाहिए, तो कितने पढ़ लिए गए थे 60 पढ़े जाने चाहिए थे, 90 पढ़ लिए थे,
तो 90 माइनस 60 बराबर 30, एक विद्यार्थी के 30 अंक ज्यादा पढ़ लिए थे। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी हैं। यानी ये जो गलती हुई है वो टोटल जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से 100 विद्यार्थियों के साथ ही गलती हुई है। तो 100 विद्यार्थियों के साथ गलती हुई है तो 100 गुणा 30 बराबर का 3000, 100 गुणा 3 बराबर का 3000 हो जाएगा। तो अब 3000 टोटल हो गए। टोटल क्या हो गया? 3000 हो गया। सही बेटा, टोटल क्या हो गया? 3000। टोटल में 3000 की कमी आएगी। टोटल में जब 3000 घटाएंगे तो जब फिर इनका औसत निकालेंगे, यानी ये 3000 हटाने के बाद, ये 3000 हटाने के बाद जब इनका दोबारा औसत निकालेंगे तो औसत 50 की क्या रह जाएगा? 45 रह जाएगा। औसत 50 की 45 रह जाएगा। तो पहले औसत 50 था, 45 रहा, तो औसत में कितनी कमी आ गई? 1.5 की कमी आ गई। औसत में 5 अंकों की कमी आ गई। औसत की कमी क्या होती है? एक व्यक्ति की कमी होती है। तो एक व्यक्ति में 5 की कमी आई है और टोटल हमारे कितने व्यक्ति? x व्यक्ति है। तो टोटल कितनी कमी आ जाएगी? x इंटू 5 की कमी आ जाएगी। सही, टोटल कितनी कमी आ जाएगी? x इंटू 5। तो टोटल कमी x इंटू 5 है, जो किसके बराबर होगी? 3000 के बराबर होगी। तो x इंटू 5 बराबर 3000, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 600। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 600 हो जाएगी। सही है। इसके बाद अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक अगला नया टाइप स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो अभी ये थोड़ा सा और है, लगभग 3 लेक्चर हो गए, लगभग 3 ही लेक्चर और होंगे तब अच्छे से खत्म होगा। और हम टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक एक क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितने भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमारे होने चाहिए, कोई हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस टाइप से हमें टॉपिक सारे के सारे करने हैं। ठीक है, सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका सुधार करेंगे। और मैंने क्या बताया था, आज से आपका क्या होगा? आज से जो है आपका साइको की भी क्लास लगेगी और जो रीजनिंग क्लास रुक गई थी वो भी स्टार्ट होगी। तो सभी लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें, और सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।